हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर फिल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कूलिंग टावर में कितने टाइप के फिल्स यूज किए जाते हैं और उनका एफिशिएंसी कैसा होता है, और कौन से कूलिंग टावर का ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, कौन से कूलिंग टावर का कम एफिशिएंसी होता है, कौन से फिल्स का ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, कौन से फिल्स का कम एफिशिएंसी होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो ये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फिल्स यूज इन कूलिंग टावर, कितने टाइप के फिल्स यूज करते हैं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और जो फिल्स फिल करते हैं हम कूलिंग टावर में फिटिंग करते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है, और कौन सा फिल्स का एफिशिएंसी कितना होता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो कूलिंग टावर में होते हैं वो दो टाइप के फिल्म हम लोग यूज करते हैं, तो फिल्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट है फिल्म टाइप और सेकंड है स्प्लैश टाइप। तो दो टाइप के जो फिल्स है हम कूलिंग टावर में यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कैसा होता है और इनका शेप कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फिल्म टाइप फिल्स। फिल्म टाइप, इसको फिल्म टाइप इसलिए बोलते हैं कि इसमें जब पानी फ्लो होता है ना, ये यहाँ से जब पानी अंदर घुसता है, यहाँ से अंदर घुसता है पानी, तो एक ना ये अंदर का जो ये फिल्म का ये सरफेस है इसके ऊपर फिल्म वाटर का फिल्म तैयार हो जाता है। इसको फिल्म टाइप फिल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब पानी फ्लो होता है ना इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर ये इसके सरफेस पे पानी का एक फिल्म तैयार हो जाता है, ये बारीक सा लेयर तैयार हो जाता है, इसलिए हम इसको फिल्म टाइप फिल्स बोलते हैं। ओके, और जो दूसरा होता है ये आप देख सकते हैं ये स्प्लैश टाइप, इसको स्प्लैश टाइप फिल्म बोलते हैं। स्प्लैश टाइप इसलिए बोलते हैं इसके ऊपर जब पानी गिरता है ना, यहाँ पे ये इसके सरफेस के ऊपर जब पानी गिरता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बिखर जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी गिरा, यहाँ पे एक बड़ा बूंद और ये छोटे छोटे बूंद में बिखर गया। सेम यहाँ पे भी देखिए, एक बड़ा बूंद पानी गिरा और यहाँ छोटे छोटे बूंद में बिखर गया। ओके, तो स्प्लैश होता है मतलब एक बड़ा बूंद पानी गिरता है और छोटे छोटे बूंद में बिखर जाता है, इसलिए हम इसको स्प्लैश टाइप फिल्म बोलते हैं, स्प्लैश टाइप फिल्म बोलते हैं। ओके, तो जो एफिशिएंसी होता है, जो एफिशिएंसी होता है ये फिल्म टाइप जो फिल होता है इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है स्प्लैश टाइप से। ओके, इसका एफिशिएंसी कम होता है और इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है कि इसमें जो सरफेस एरिया है ना, इसमें जो सरफेस एरिया पानी का तैयार होता है वो ज़्यादा तैयार होता है एज़ कम्पेयर टू ये स्प्लैश टाइप में। इसमें जो पानी का सरफेस एरिया कम होता है, इसमें ब्रॉड जो बड़ा ड्रॉपलेट छोटे ड्रॉपलेट्स में तैयार होता है तो उससे भी इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। इसमें सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है कि एक बड़ा ड्रॉपलेट तैयार होता है, इसका सरफेस एरिया सपोज टू 5 square mm है और ये छोटे ड्रॉपलेट्स में तैयार बिखर गया तो उसका सरफेस एरिया 6 mm या 7 mm² हो जाता है, मतलब सरफेस एरिया इसमें थोड़ा कम बढ़ता है और इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज़्यादा एयर और वाटर का कांटेक्ट होगा और ज़्यादा इवेपोरेशन होगा जिससे कूलिंग ज़्यादा होगा। इसमें थोड़ा सरफेस एरिया कम इंक्रीज होता है इसलिए इसका एफिशिएंसी कम होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक बात और बता दूँ, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ना ये इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जल्दी से चोकअप हो जाता है, इसको फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग करना पड़ता है। ये चोकअप हो जाएगा तो क्या होता है, एयर पास नहीं होता है कूलिंग टावर के बॉटम से और ये कूलिंग टावर की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इसको फ्रिक्वेंसली क्लीनिंग करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। वहीं पे ये जो स्प्लैश टाइप जो फिल होते हैं ये चोकअप नहीं होते हैं, चोकअप नहीं होते, इनको सालों साल क्लीन नहीं करेंगे ना तो भी चलता रहता है, इसका एफिशिएंसी डाउन नहीं होता है, नियरली अबाउट इसका एफिशिएंसी कॉन्स्टेंट रहता है और इसका क्लीनिंग का खर्चा बढ़ जाता है, शट डाउन नहीं लेना पड़ता है, इसमें एक मेजर एडवांटेज होता है। ओके, मिस एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बाद में इसको क्लीनिंग मेंटेनेंस बहुत कम आता है।
ओके, एक बार फिट कर दिया तो 10-15 साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। वही जो ये है, इसको साल में या 6 महीने में एक बार क्लीनिंग करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, नहीं तो ये चोकअप हो जाता है, इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये रहा मेजर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।